तो कल हम लोगों ने व्हाट इज मीन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, देन व्हाट इज मीन बाय F2 जनरेशन, ये भी हमने पढ़ा, और गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हमने पढ़ा। ओके, सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बैक क्रॉस। ओके, सो द नेक्स्ट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, सो व्हाट इज मीन बाय बैक क्रॉस? उसके लिए जो कल हमने क्रॉस पढ़ा था कि व्हेन वी आर टेकिंग द प्योर लाइन पेरेंट्स, हम एक ही कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग वेरिएंट्स के जब प्योर पेरेंट्स लेते हैं, जैसे कि हमने दिया था प्योर टॉल मीन्स दोनों भी वहां पे अलील्स कैपिटल टी होंगे, और डॉट स्मॉल टी, तो इनको क्रॉस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आए थे, यहाँ पर एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पर एक गैमेट बनेगा एक ही टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी, फिर हमारा जो हाइब्रिड बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है, और इसका फिनोटाइप कैसे था? टॉल। ओके, मीन्स यहाँ पर द वन पेरेंट इज ऑल्सो टॉल एंड दी F1 जनरेशन फॉर्म्ड इज ऑल्सो टॉल, बट द डिफरेंस इज कि पेरेंट जो है वो प्योर है, उसमें दोनों भी एलील कैपिटल टी के है, बट जो यहाँ पर F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ है, द ऑफस्प्रिंग इज हाइब्रिड। ठीक है, ऑफस्प्रिंग कैसे है? हाइब्रिड है। ओके, सो व्हेन दिस F1 जनरेशन हाइब्रिड, अगर हम इस F1 जनरेशन के हाइब्रिड को लेते हैं और किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, हमने F2 जनरेशन जब मेंडेलियन स्टडी किया तो उसने क्या किया, ऐसे कैपिटल स्मॉल टी बहुत सारे प्लांट बने थे, तो उसका क्या प्लांट्स को लिया और क्रॉस किया, बोलते हैं इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, सेकंड वन ऑफ द वन ऑफस्प्रिंग विद वन ऑफ द पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ ही इसका फिर से अगर हम क्रॉस करवाए, इफ वी हैव टेकन दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करने के बाद वी आर हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी व्हिच इज टॉल। ओके, इफ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्रॉस, अगर हम नेक्स्ट क्रॉस के लिए जा रहे हैं और नेक्स्ट क्रॉस में इफ वी आर टेकिंग F1 ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी वाला इंडिविजुअल ले रहे हैं हम, और उसको हम क्रॉस कर रहे हैं इस पेरेंट के साथ, मीन्स कैपिटल डी, और वी आर टेकिंग दिस F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी एंड क्रॉसिंग इट विथ स्मॉल टी इस पेरेंट के साथ, तो ये दोनों भी जो क्रॉस है, दिस क्रॉसेस आर नोन एज बैक क्रॉस। ठीक है, क्रॉस करने के बाद हम गैमेट्स को ड्रॉ करेंगे और ऑफस्प्रिंग पॉसिबल ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे वो हम ड्रॉ कर कर रेशियो निकालेंगे, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। तो अगर इस तरह का हम क्रॉस कर रहे हैं, दैट क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस, इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। ओके, नाउ द बैक क्रॉस इज लाइक, अब नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है टेस्ट क्रॉस, नेक्स्ट टर्म इज टेस्ट क्रॉस। क्या बैक क्रॉस समझ में आया सबको, समझ में आया क्या? ओके, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज लाइक बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बैक क्रॉस ही होता है, मींस यहाँ पर हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करवाएंगे वन ऑफ द पेरेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है द पेरेंट शुड बी रेसेसिव, मतलब जो स्मॉल टी पेरेंट है उसी के साथ हम क्या करवाएंगे, हमारे F1 हाइब्रिड को क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। सो नाउ वी कैन से दैट टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, हम हमेशा बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस ही होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि हम
यहाँ पर और F1 ऑफस्प्रिंग को रेसेसिव पैरेंट के साथ ही क्रॉस करवाते हैं। ये रेसेसिव पैरेंट है ना, क्योंकि स्मॉल टी ये रेसेसिव कैरेक्टर है, कैपिटल टी के प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो दिस इज नोन एज रेसेसिव पैरेंट, जिसको हम रेसेसिव पैरेंट बोलते हैं। और जिसके पास कैपिटल टी उसको हम डोमिनेंट पैरेंट भी बोल सकते हैं। तो इफ वी आर डूइंग बैक क्रॉस विथ रेसेसिव पैरेंट, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ओके, मीन्स टेस्ट क्रॉस इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस। समझ में आया? यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, द टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज ए बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस ही होता है, बट बैक क्रॉस इज ऑलवेज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे मैंने ऑलवेज वर्ड यूज किया है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस हम कभी भी करेंगे तो वो बैक क्रॉस ही होता है, लेकिन बैक क्रॉस ये हमेशा टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। अगर हम बैक क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा रहे हैं तो हम उसको सिर्फ बैक क्रॉस बोलेंगे, लेकिन अगर हम बैक क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ करवा रहे हैं तभी हम उसको टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं। सो बैक क्रॉस इज नॉट ऑलवेज टेस्ट क्रॉस। ओके, समझ में आया? सो इफ यू हैव टू गिव द प्रॉपर डेफिनेशंस, अगर हमको डेफिनेशंस बतानी है तो हम किस तरह से बताएंगे? क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, F1 में जो भी प्रोजेनी आएंगी दिस विल बी क्रॉस। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पैरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। ओके ओके, नाउ समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ मैम। ओके, सो द नेक्स्ट इज मेंडेल्स लॉज और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी जिसको बोलते हैं, मेंडेलियन लॉज। ओके, सो बेसिकली मेंडेल हैव पोस्टुलेटेड और ही हैज प्रपोज्ड थ्री लॉज। ठीक है, मेंडेल पोस्टुलेटेड द थ्री लॉज। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। And the third one is law of independent assortment. ये तीन लॉस मेंडेल ने बताए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So one by one we are going to learn these three laws. Law of dominance we have learned almost हमने law of dominance पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार और पढ़ेंगे। okay. फिर हम law of and one more thing to explain the law of dominance, he did monohybrid cross. Law of dominance को explain करने के लिए मेंडेल ने monohybrid cross किया था। To explain law of dominance, he did monohybrid cross. Similarly, to explain law of segregation, he did dihybrid cross. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किए।
गाय हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड। ओके तो हमको पता है अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड। तो भी हम जब क्रॉस करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हमने किया एंड स्मॉल टी दिस इज आर प्योर रिसेसिव पेयरिंग। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स आफ्टर क्रॉसिंग टू प्योर पेरेंट्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है, और फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हमने दो प्योर पेरेंट लिए है लेकिन उनके पास जो ट्रेट है वो कॉन्ट्रास्टिंग है, मीन्स एक टॉल है और दूसरा डॉर्फ है। और इस तरह का क्रॉस जब हम करते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है F1 हाइब्रिड में जो कैरेक्टर अपियर होता है दैट, और जो ट्रेट अपियर होता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट, एंड विच ट्रेट डू नॉट अपियर इन F1 हाइब्रिड, ओके दैट इज नोन एज रिसेसिव। यहाँ पर जो F1 हाइब्रिड बना है फिनोटाइपिकली ये टॉल है, ओके तो यहाँ पर टॉल जो ट्रेट है वो डोमिनेंट हुआ और डॉर्फ ट्रेट रिसेसिव हुआ, क्योंकि पेरेंट हमने टॉल लिया था और एक डॉर्फ लिया था। एफ्रिड ने हमको सिर्फ टॉल पेन के कैरेक्टर्स दिखे, तो ट्रेट को या फिर उस को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट व्हेन वी डू द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दो प्योर पेरेंट्स लिए हैं और एक ही कैरेक्टर के लिए दो उनके पास कॉन्ट्रास्टिंग टेयर है ट्रेट्स है, जब उनको क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपियर होगा, F1 जनरेशन में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो अलील डोमिनेंट होगा, और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो अलील रेसेसिव होगा। ओके सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एवरीवन प्लीज गो थ्रू द बुक फॉर द डेफिनेशंस। एक बार कंसेप्ट समझने के बाद आप लोग अच्छे से बुक में से डेफिनेशंस को रीड करना, आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का लॉ पढ़ते हैं अब हम। सो द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको पढ़ना है। सो इसी डायग्राम को कंप्लीट करते करते हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते। सो यहाँ पर हमने लिए हैं प्योर डॉर्फ पेरेंट, ठीक है, ये हमारे गैमेट्स बने, दिस इज द हाइब्रिड। अब हमने क्या किया, हाइब्रिड की सेल्फिंग की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज फिनोटाइप। इस तरह से आपको हमेशा क्रॉस करना है, जब आप लोग क्रॉस करते हैं ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। फिनोटाइप क्या है, टॉल एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का डॉट। फिर उसके बाद जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल टी स्मॉल डी स्मॉल टी। गैमेट्स क्या बने, तो इसके एक ही टाइप के गैमेट बन रहे, कैपिटल टी। यहाँ पे गैमेट्स क्या बना है, तो स्मॉल टी। फिर फ्यूज करने के बाद हमको F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या मिला है, तो हाइब्रिड मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी विच हैज दी फिनोटाइप टॉल। उसका फिनोटाइप कैसे है, टॉल। उसके बाद हम गए सेल्फिंग के लिए, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सो वी हैव टेकन F1 जनरेशन के दो प्लांट हमने लिए, कैपिटल टी वाले जिसका टॉल अपीयरेंस है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स दे विल फॉर्म। ओके तो यहाँ पर दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं। वन गैमेट विल बी कैपिटल टी, अदर गैमेट विल बी स्मॉल टी। और यहाँ पर भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर इसी को पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये जो मेल गैमेट है वो लिखे है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, पुनेट स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी टेबल होता है कि जिसमें हम पॉसिबल रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। सो पॉसिबल रिजल्ट्स आर इधर कैपिटल टी इधर कैपिटल टी स्मॉल टी,
इफ वी गो फॉर द रेशियो, अब हम दो टाइप का रेशियो निकालेंगे, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक. आई एम राइटिंग पी फॉर फिनोटाइपिक एंड जी फॉर जीनोटाइपिक. जीनोटाइपिक के रेशियो क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप हमको तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं. एक है कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरा टाइप का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड थर्ड टाइप का जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी. सो द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2, 2:1. ओके, फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. क्योंकि ये भी टॉल बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टॉल ही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल ही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल ही बनेगा, लेकिन जो स्मॉल टी है वो डॉर्फ बनेगा. सो व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट, कि जो हमारे फर्स्ट पेरेंट थे, जो प्योर थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी जिनके पास जीनोटाइप है अलील से, उनसे गैमेट्स बने और फ्यूजन होने के बाद हमको हाइब्रिड मिला, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट के फिनोटाइप अपीयर हो रहे थे. लेकिन जब हमने उसी का सेल्फिंग किया तो हमको फिर से पेरेंट के प्योर कैरेक्टर्स मिले. हमको यहाँ पे कैपिटल टी टी मिला और स्मॉल टी मीन्स हमको यहाँ पे वन प्लांट डॉर्फ मिला. मीन्स एफ वन जनरेशन में जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर छुप गया था वो एफ टू जनरेशन में हमको मिला. इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जब जो प्योर पेरेंट्स थे, यहाँ पर गैमेट्स जो बने थे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए थे, लेकिन यहाँ पे जब हमको F2 में फिर से डॉर्फनेस का कैरेक्टर मिल रहा है, तो इट प्रूव्स दैट कि जब F1 ऑफस्प्रिंग जो है कैपिटल टी इन्होंने जब गैमेट्स फॉर्म किए, तो गैमेट्स फॉर्म जब हुए तो ये जो दो अलील्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील, जो एक दूसरे के साथ साथ में है अभी एक इंडिविजुअल में, वो सेपरेट होते हैं और दो अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं. अलील्स दे सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड दे एंटर्स इनटू द सेपरेट गैमेट. अलील एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग होते हैं और वो दो अलग अलग गैमेट्स में एंटर होते हैं. उसी के वजह से ये वाला जो हमको रिजल्ट है वो मिला है, स्मॉल टी हमको मिला है, क्योंकि जब अलील सेपरेट हुए तो यहाँ का कैपिटल स्मॉल टी और यहाँ का स्मॉल टी फ्यूज हुए दो गैमेट्स, और उनसे जो इंडिविजुअल बना वो स्मॉल टी वाला है. यहाँ का कैपिटल टी और यहाँ का कैपिटल टी फ्यूज होने की वजह से हमको ये कैपिटल टी वाला ऑफस्प्रिंग मिला है. इट मीन्स दैट एफ टू जनरेशन के रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद हमको ये समझ में आता है, एफ वन जनरेशन में तो हमको ऐसे लगेगा कि डॉर्फनेस का कैरेक्टर कहीं खो गया है, लेकिन F2 जनरेशन में वो फिर से अपीयर होता है. तो ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ पे जो अलील से जो साथ में थे वो गैमेट फॉर्म होते टाइम पर अलग अलग हुए हैं. ओके, दे आर गेटिंग सेपरेटेड हियर व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. सो दिस लॉ और दिस फिनोमिनन इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेट होना मीन्स होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट अलील्स स्टेज टुगेदर इन एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में अलील एक साथ रहते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, लेकिन जब गैमेट फॉर्म होने की बारी आती है तो अलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद वो अलग अलग गैमेट्स में एंटर होते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं, जिसके वजह से वेरिएशन फॉर्म होते हैं. ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अलील्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, समझ में आया सबको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? यस मैम.